इस पर हमारे लिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो का थोड़ा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पजेस के लिए, इसका कोई क्लेम या प्लेम नहीं है। सबसे पहले हम बाइकों को डिस्कस करते हैं। आज रिफाइनिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा मूव किया और न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है। लेट्स सी कल इसको ये वेरीफाई कर देगा कि ये न्यूज कितनी हद तक इनको जो है ना वो आगे लेके जाती है। और कल का दिन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाइकों का आज वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम से ऊपर वॉल्यूम है। क्लोजिंग भी इसने 9.88 से ऊपर दी है, ठीक है। 10.03 जो कि इसकी रेजिस्टेंस दूसरी उसके करीब आके इसने क्लोजिंग दी है। तो अब कल के लिए इसका अगला देख लेते हैं कि इसके मैकडी पॉजिटिव साइड पे हैं, ठीक है। आरएसआई बहुत तेजी से ऊपर आया है और ये भी कट जनरेट हो गया, मतलब कि इसके ओवरऑल इंडिकेटर डेली बेस पे अच्छे हैं। वीकली बेस पे देख लेते हैं। वीकली बेस पे अब इसको एक चैलेंज सामना है, ठीक है। वीकली बेस पे इसको ये रेजिस्टेंस जो है वो 10.49 की, ठीक है। अगर इससे ऊपर कल ये कैंडल बना गया तो इंशाल्लाह ताला ये फिर 11.5 12, ठीक है, और इस लेवल्स को ये टच मार रहा होगा। तो इस पे आके आपने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। वेट करना है कि ये 10.6 से 10.5 से ऊपर की क्लोजिंग दे जाए। अगर ये उससे ऊपर दे गया तो फिर ये बहुत अच्छा मतलब साइन है। और वॉल्यूम ये बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है, दे सकता है। मैकडी भी ये बता रही है कि आज कम हुआ है, इसका वीक हुआ है हिस्टोग्राम, ठीक है। और आरएसआई भी ऊपर की तरफ आया और ये भी थोड़ा इसने सर उठाया है इस रीजन की तरफ। तो इस रीजन में और आरएसआई भी 50 से ऊपर चला जाएगा, ये भी इस रीजन में आ जाएगा। और मैकडी भी कट जनरेट करने वाला होगा जब ये 10.5 से 6 से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा इंशाल्लाह ताला। तो ये कल देखते हैं कि क्या होता है। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इनके लिए ना, तो जिसने लेना है वो 10.56 की क्लोजिंग के बाद ले। वैसे तो ये वीकली बेस पे है, मतलब कि जुमे तक है, लेकिन चलो कि एक रेजिस्टेंस जो थी वो ब्रेक होने के बाद बंदा खरीद सकता है। तो हाउएवर इसकी जो अच्छी बाइंग होगी ना वो फिर अगर वीकली देखना है 10.6 के बाद इंशाल्लाह ताला ये पॉजिटिव ही मूव करेगा 5 के बाद। तो उसके बाद देख लेते हैं ATRL। ATRL ने बहुत अच्छा मूव किया, ठीक है। मैंने अपनी वीडियो में जिसमें मैंने रिफाइनरीज को डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये 226 से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा तो ये पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा। तो आज माशाल्लाह इसने 226 के बाद लॉक लगाया, ठीक है। क्लोजिंग नहीं दी बल्कि लॉक ही लगा गया, तो ये एक बहुत खुशाइन बात है। सेम बाइको की तरह इसने ऊपर वाली रेजिस्टेंस पे आके क्लोजिंग दी है। इंशाल्लाह ताला कल भी ये 231-234 मरतबा नजर आएगा। और मैकडी पॉजिटिव साइड पे है, वॉल्यूम भी अप है, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है। आरएसआई भी 53.50 को 50 से ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है डेली बेस पे। वीकली बेस पे आरएसआई 50 पे है। सेम बाइको वाले ग्राफ हैं इसके भी और सेम बाइको वाला चैलेंज। इसको पहला चैलेंज 232 का है। 232 के बाद अगला चैलेंज इसमें 240 का है। 240 अगर ये क्लोज दे देता है किसी भी टाइम पे, मतलब कि किसी भी दिन ये 240 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है। अब जो इसकी रैली बनी है ये इसमें आपने 236 और 239 यहाँ पे आगे प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। 240 से ऊपर अगर ये क्लोज होता है, मतलब 41 की क्लोजिंग दे देता है, तो इसका मतलब ये है कि 241 और 247 तक ये इंशाल्लाह ताला जाएगा, ठीक है। तो लेट सी कल क्या होता है। तो आपने इन लेवल्स पे इसमें प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कर लेनी है। या ओवर अगर 240 से ऊपर क्लोज हो रहा हो आप दोबारा ले सकते हैं। ग्राफ इसके टर्न हो रहे हैं। NRL ने भी न्यूज बेस आज इम्पैक्ट लिया। सेम बाइको वाले तो नहीं लेकिन बाइको से थोड़े बेहतर हैं इसके ग्राफ, ठीक है। इसने मैकडी पॉजिटिव आया, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर की क्लोजिंग है। रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर बंद हुआ है आज, ये 411 के करीब आके लेकिन बंद हो गया। अब इसकी रेजिस्टेंस 417 है। 417 पहली रेजिस्टेंस है। जब ये क्लोज इससे ऊपर खुलेगा इंशाल्लाह ताला, इसको क्रॉस मारेगा तो फिर ये 425 और 427 जहाँ पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है थोड़ी सी ना, वहाँ पे ये इसको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना बनता है। और इसके बाद अगर इसका मैकडी देख ले पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी पॉजिटिव आए हैं आज। आरएसआई 50 से ऊपर जा रहा है जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। और इसकी अपसाइड के लिए एक बेस बना रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में देखें तो पहली दफ़ा मतलब काफ़ी पिछले वीक इसके रेड वॉल्यूम थे, आज थोड़े ग्रीन वॉल्यूम है। मैकडी भी थोड़ा वीक होता जा रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी
जो पुराने बैठे हुए हैं वो लाजमी बैठे रहे हैं, और 434 427 से 434 के दरमियान प्रॉफिट लाजमी लेकिन बुक कर लें 50%। हाँ, अगर ये क्लोजिंग 434 से ऊपर की देता है तो 444 इसका टारगेट होगा, 444 से 447 उसको ब्रेक कर गया फिर ये इंशाल्लाह ताला 470 के करीब आके रुकेगा। तो 434, 444 और 464 ये इसके प्रॉफिट बुकिंग के लेवल है, ठीक है। और ये कल इसका वेट करना है आपने कि 427 के करीब करीब आपने भी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, ठीक है। तो अगर ये इनसे ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये है कि ये न्यूज इम्पैक्ट जो आया है ये अब कैरी ऑन करेगा, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम अच्छे लग रहे हो और इस रिफाइनरी सेक्टर में, और तब तब इनमें बैठना बनता है, अदरवाइज सीमेंट की तरह ना हो कि सीमेंट ने भी एक दिन अपसाइड ली, ठीक है, अगले दिन वो फर्दर अप गया और फिर जो है ना उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ गई और नीचे आगे क्लोज हो गया, फिर वो अब दोबारा 106 107 पे सीमेंट आ रहा है, ठीक है। तो अब न्यूज इम्पैक्ट कल कंफर्म करेगा इंशाल्लाह ताला। अगर ये पक्का न्यूज इम्पैक्ट हुआ तो फिर ये लंबा लंबा जरा इसका असर होगा। तो लेकिन आपने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी 50% 40% बुक कर लेनी है और वेट करना है क्लोजिंग का। तो क्लोजिंग अगर जो लेवल्स मैंने बताए हैं उससे ऊपर हो रहे हैं तो वेल एंड गुड। उसके बाद आ जाता है PRL, PRL भी सेम सेम सबके ग्राफ इनके रिफाइनरी सेक्टर के ऑलमोस्ट देखे ना, ये ब्लैक लाइन के पास आगे क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसने 2023 से ऊपर, अगर ये 23.2 से ऊपर चला जाएगा तो इसको रेजिस्टेंस आएगी फिर 24.2 पे जाके, ठीक है। तो 24.2 पे जाके और 23.7 पे जाके इसमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। हाँ, अगर ये 23.8 से कल ऊपर की क्लोजिंग दे गया तो फिर इंशाल्लाह ताला ये इसको नेक्स्ट चैलेंज आएगा 24.2 पे। 24.2 तोड़ गया फिर 26 तक इंशाल्लाह ताला ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो है ना इसके ग्राफ बिल्कुल, इसका वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है, मैकडी भी ऊपर है, आरएसआई भी ऊपर की तरफ आया, तो डेली बेस पे पॉजिटिव है और वीकली बेस पे भी आरएसआई ऊपर आया है, और ये भी मतलब तमाम रिफाइनरी सेक्टर की तरह ये भी अपने इसको चेस कर रहा है, इस रीजन में कंफर्ट जोन में आने की कोशिश कर रहा है। हाँ, इसकी 20 DMA मैंने बताया आपको 24.2 पे अवेलेबल मौजूद है, 24 से कोई पास पास इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है, ठीक है। 24.2 से ऊपर की क्लोजिंग इसको फ्राइडे वाले दिन तक, 24.2 से ऊपर की क्लोजिंग इसको फिर जो है ना वो 26 के लेवल तक लेके जाएगी। तो ये था जी छोटा सा ओवरव्यू रिफाइनरी सेक्टर का, और होपफुली आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सेफ प्ले करें, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। ये ना हो कि सीमेंट की तरह TGKC 116 लगा के दोबारा वो 104 105 पे आ चुका है, ठीक है, आज 6 पे ट्रेड हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह ना हो कि एक टेम्परेरी न्यूज में इम्पैक्ट हो, आप प्रॉफिट टेकिंग ही ना करें और जो है ना फिर आपको थोड़ा लॉस बियर करना पड़े। तो इससे बेहतर है कि हल्की हल्की प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कर लें, ठीक है। जब थोड़ा थोड़ा करके मतलब 30-30, 40-40% या 20-20% करके थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने के साथ आप सेलिंग जरूर करते रहे, आधा माल होल्ड रखें, आधा माल जो है ना वो सेल कर दें, प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ताकि आपको अगर खुदा ना खास्ता ये दोबारा नीचे आते हैं तो आप इतने प्रॉफिट में हो कि मतलब हौसले में हो कि इसको दोबारा बाय कर सके। तो ये था जी मेरी तरफ से छोटा सा ओवरव्यू, इसको होपफुली आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।